अस्सलाम वालेकुम। सो कुछ वीडियोस में चाहता था कि हम डिस्कस करें बायबॉट प्रो का जो प्लगइन था, और इस प्लगइन से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्यों किस तरह ये थोड़ा सा हमारी रिसर्च को आसान बना सकता है, वो चीज़ें हम थोड़ी सी इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये प्लगइन कोई बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लोग जो इनका अपना ग्रुप है वहाँ पे मैंने इसकी तारीफ देखी है, लोग अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में। कुछ लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस के बारे में लिखा है कि कोई फला इंफॉर्मेशन या फला नंबर्स जो है वो एक्यूरेसी से बहुत दूर हैं। मैंने खुद भी एक दो दफा इसको अज्यूम किया था, देखा था, चीजें लर्न की थी इसके बारे में, तो मैंने देखा था कि कुछ नंबर्स जो है वो थोड़े से एक्यूरेसी से काफी ज्यादा दूर होते हैं दूसरे हमारे जो टूल्स हैं उनके मुकाबले में। तो बहुत कम ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही फजूल है, ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत मदद करेगा चीजें देखने में। तो इसको बिल्कुल आप चाहे तो यूज करें, लेकिन जो फाइनल नंबर्स हैं आपके जो सेल्स के, स्पेशली जो आप जिससे ये निकालते हैं कि यूएस में अगर सेल्स कितनी हो रही है, तो वो मैं कहूंगा कि क्रॉस चेक एक दफा कहीं और से, यानी जैसे एफपीए टूल किट है या जंगल स्काउट अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां से जरूर कर लें। एग्जाम्पल मैंने कुछ आइटम्स जो हैं वो ओपन कर रखी हैं एक दो, तो मैं चाहूंगा कि इसको हम देखें। अब ये आइटम जो है वो थोड़ी सी हैवी है, यानी कि ये कहता है कि 128 आउंस का ये गैलन है, और जो कि तकरीबन यहाँ पे जो इसका वेट बता रहा है वो 8 पाउंड्स बता रहा है, यानी कि 8 पाउंड जो है वो ठीक ठाक हैवी है। दूसरा मसला ये भी है कि ये लिक्विड आइटम है, तो इसके अंदर फिर एडिशनल प्रेप्स की बाजू का जरूरत पड़ती है, या फिर आपको ये मेक श्योर करना होगा कि ये बॉटल जो है वो लीक ना हो या टूट फूट ना हो जाए इसके साथ कुछ शिपिंग के दौरान। बहरहाल तो क्विकली मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि $16.15 इसमें बचते हैं मुझे, क्योंकि 8 पाउंड है इसलिए शिपिंग जो है वो काफी ज्यादा लग रही है इसमें FBA फी वगैरह। ये आपको यहाँ कैलकुलेट रेव सेलर का ये प्लगइन है मेरा जो मैं यूज करता हूँ, खैर इस वक्त टॉपिक रेव सेलर नहीं है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए कि फुलफिलमेंट फी जो है वो $7.70 है, 495 इसकी जो है रेफरल फी है, और मंथली स्टोरेज इसमें जो है वो बता रहा है 19, और इनबाउंड शिपिंग $4 जो बता रहा है। जैसा मैंने अक्सर हमने डिस्कस किया कि इनबाउंड शिपिंग को हम जैसे सप्लायर से अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाने में हम 50 सेंट्स पर यूनिट चार्ज कर रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये रेव सेलर भी यही यूज करता है। वो 8 पाउंड जो है चूंकि वो शिपिंग है तो ये अज्यूम कर रहा है 4 पाउंड इसकी शिपिंग हमें इनबाउंड में देनी पड़ेगी। हो सकता है 19-20 कम ज्यादा हो जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। अच्छा, अभी फिलहाल चूंकि हमें प्रॉफिट्स देखने हैं तो मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिए हैं $9। अभी मैं थोड़ा सा इसको मजीद कम कर देता हूँ, ये हम चेंज कर सकते हैं, और ये मेक श्योर करना, तो ये प्राइस तो आपके पास वैसे सेलर की सप्लायर की तरफ से आएंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि ये समझाने की नीयत से मैं चल रहा हूँ तो अजम्पशन पे प्राइस हम थोड़ा सा डाल के देख रहे हैं कि कैसे ये चलता। तो ये जब प्राइस आप डालेंगे बाय प्राइस, इसको फिर एनालाइज पे क्लिक करें, तो एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त हम ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है बायबॉट प्रो का वो देख रहे हैं। तो इसमें देखें BSR का परसेंट टॉप 1 बता रहा है, क्योंकि इसका BSR जो है वो काफी बेहतर है, बहुत अच्छा है, और अजम्पशन सेल्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये तकरीबन यहाँ पर मुझे कीपा का ग्राफ भी दिखा रहा है जिसमें लग रहा है कि तकरीबन 2000-3000 के अंदर इसका BSR चल रहा है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है अच्छी चीजें क्या हैं इसमें एनालाइज करने के बाद, कि ये बताता है कि इसका अभी करंट BSR ये है। एलिजिबिलिटी, ये हमें सेलर सेंट्रल से लॉग इन हम हुए में होंगे तो ये एलिजिबिलिटी, हैजमत, डेंजरस क्लूड, ये सारी चीजें चेक करके ये भी बता देगा। ओवर साइज है अनलाइकली, क्योंकि ओवर साइज ये नहीं है, इसकी साइज जो है वो 12 इंच 6 इंच। अब अगर पैकेजिंग का साइज 12 इंच एंड हाफ हो गया या 12 इंच से जरा सा भी बड़ा हो गया तो फिर ये स्लाइटली ओवर साइज में चला जाएगा, और अमेजोन हो सकता है कि $4 से ज्यादा भी इसकी इनबाउंड शिपिंग चार्ज कर रहा हो। तो इसके अंदर अब कहता है कि बाय बॉक्स की जो एनालिसिस है इसके हम वो देखते हैं, कहता है कि बाय बॉक्स एनालिसिस जो है वो आपको एक क्विक ग्लांस बताता है। वी हैव लुक्ड एट द डेटा अवेलेबल ओवर द 90 डेज पीरियड, ओवरिंग ओवर अ हाईलाइटेड फेस विल गिव यू मोर डिटेल एनालिसिस। तो अब ये कहता है ये वाला जो बीच का एक फेस स्माइली आ रहा है इसके बता रहा है। तो इन द लास्ट 90 डेज ईदर अमेज़न हैव नॉट बीन ऑन द लिस्टिंग और देयर इज इनसफिशिएंट डेटा टू ड्रॉ अ फॉर्मल कंक्लूजन। तो अभी ये कह रहा है कि मेरे पास फॉर्मल कंक्लूजन तो है ही नहीं, तो अमेज़न तो इसमें वैसे नहीं है, तो ये तो एक अच्छी बात है, हमारे वैसे जो हम पढ़ते हैं चीजें उसके हिसाब से तो ये ठीक है। तो खैर यहाँ पे अगर ये बहुत अच्छा बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है वो बताएगा कि जी बायबॉक्स के बड़े अच्छे चांसेस आपको भी।
अब प्रॉफिट मार्जिन इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं $1.97 परसेंट, सॉरी $1.97%, क्योंकि ये कहता है आपका प्रॉफिट इसमें 65 सेंट्स निकल रहा है सिर्फ अगर आप इस प्राइस के ऊपर जाते हो तो, ये प्राइस में अगर आपको खरीदना पड़ता है तो। अच्छा, ये जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि हो सकता है कि बाज़ औक़ात नंबर्स कहीं ठीक ना हो, तो जैसे प्रॉफिट अभी कह रहे सिर्फ 65 सेंट्स है, जबकि अगर आप रेव सेलर को बताते हैं कि $60.5 मेरी परचेज है, तो रेव सेलर आपको कहेगा कि $8.65 आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन में मैं रेव सेलर पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आके आप फंस जाते हैं कि ये कहता है कि जी आपका तो प्रॉफिट मार्जिन कोई नहीं है। अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा तो फिर ये एनालिसिस आपको यहाँ ये जो रेड कलर आ रहा है लिखा हुआ इससे बताएगा। अब देखें इसमें बता रहा है लो ROI, लोअर प्रॉफिट और हैवी, ये हैवी इसने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि वो 4-8 पाउंड की आइटम है। तो इस तरीके से ये आपको चल के बता रहा है ब्रेक इवन, ये इसका बेसिकली गलत बता रहा है क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ठीक नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट की, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो मुझे यहाँ नजर आ रही है ये ज्यादा ठीक है। तो अगर मेरे पास गुंजाइश अभी भी $8.65 की है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब एस्टिमेटेड सेल्स कैलकुलेटर ये बता रहा है बायबॉट प्रो जो है वो कहता है कि मई में इसने 21 पीस सेल्स हुई है और जून में 24 पीस की सेल्स हुई है, जबकि टोटल सेल्स एनालिसिस अभी के हिसाब से जो बन रहे हैं हमारे वो इसमें ये कहता है 1400, अच्छा 3600, और ये कैटेगरी है ब्यूटी की। तो ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा या तो गलत बता रहा है या फिर ये पर यूजर पर सेलर शेयर बता रहा है। देखिए एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये यहाँ पे स्टॉक लेवल सारे आपको लेकर दे देता है। अब ये कहता है कि एक मर्चेंट फुलफिल्ड सेलर है जिसके पास स्टॉक अभी 173 है। FBM सेलर को तो फिलहाल हम नहीं गिन रहे, FBA को गिन रहे हैं। तो FBA एक ही सेलर बैठा है FBA प्राइम में जिसके पास 12 पीस अभी पड़े हुए हैं और $33 इसके प्राइस हैं, और इसके रिव्यू काउंट यानी कि जो सेलर का है वो 248 है, 91% ये रेटिंग इसकी है फीडबैक की। अच्छा, तो टोटल स्टॉक इसने गिन लिया यानी कि ये 12 और 173 मिला के बता रहे हैं कि 185 इसका है। ठीक है, टोटल FBA सेलर एक है, MF सेलर मर्चेंट फुलफिल एक है, यानी कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे सेलर्स को काउंट करना या कुछ कैलकुलेट करना वो सारा यहाँ पे ये बता देता है। जो स्टॉक लेवल्स हम अलग से वो AMZ स्काउट वाला यूज करते हैं स्टॉक लेवल, वो भी यहाँ पे इसी के अंदर हो जाता है। तो इसकी ये एक अच्छी बात मुझे नजर आई कि ये कॉम्पिटिशन का डेटा हमें यहीं पर दे देता है। अच्छा, दूसरी एक और अच्छी बात है, वो एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जैसे ये यूके का जो डेटा है या दूसरे जो जर्मनी का डेटा, ये सारा भी ये लेकर आता है। अभी इस वक्त इसमें नहीं है, मैंने एक और लिस्टिंग ओपन कर रखी है, हम इसको देख लेते हैं। इसमें है, इसमें देखिए ये कॉम्पिटिशन का डेटा दे रहा है, इसका कितना स्टॉक लेवल है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को यहाँ US में इसका BSR 90 है और इसमें UK में इसको BSR नहीं मिल रहा है, लेकिन इसने जो है वो प्राइस आपको बता दिया कि ये मर्चेंट फुलफिल्ड सेलर सेल कर रहा है 48 पाउंड्स में, और यहाँ पे आपका ROI जो है वो 100% हो सकता है। ये यूके की बात हो रही, क्लिक करेंगे तो ये यूके का लिंक भी ओपन कर देगा। फिर देखें कनाडा भी बता रहा है, कनाडा के अंदर कहता है 35,000 आपका जो है वो BSR है और इसमें आपका ROI 300 से भी ज्यादा परसेंट निकल जाएगा। तो क्लिक करते हैं तो वो कनाडा या जो भी आप उसमें क्लिक कर रहे हैं ये वहां पे ओपन इसे कर देगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इसमें अच्छी हैं। अच्छा, इस आइटम के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि ये आइटम भी मैंने ओपन कर रखी थी। इसमें मैंने प्राइस डाला है बाय प्राइस $19। ठीक है, अच्छा 37.99 है, तो मैं इसको भी 19 डाल देता हूँ ताकि हमें ये पता चले कि प्रॉफिट कैलकुलेशन प्रॉपरली हो रही है। अच्छा, प्रॉफिट इसमें अगर 19 के हिसाब से रखते हैं तो $9.30 है। यहाँ ये बता रहा है प्रॉफिट $8.55, थोड़ा सा कम बता रहा है लेकिन फिर भी करीब है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि ये ठीक है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन ब्रेक इवन सब आपको बता रहा है, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई, ROI आपका इतने परसेंट आ गया। अच्छा, अब इसका कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो बढ़ के 90% पे चला गया। वो कहता है ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट ROI और ग्रेटर देन 40 सेल्स पर 30 डेज। सो ये जो 40 सेल्स का जो एस्टिमेट बता रहा है वो आपको ये बताता है कि ये आपको एज अ सिंगल सेलर, आपको सेलर के तौर पर आपको जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब ये जो टूल टिप इसकी ओपन हो रखी है ऊपर, ये होती है इस तरह, तो इसमें भी ये डिटेल्स बता रहा है आपको कि रीसेंट 30 डे एस्टिमेट्स है सेल्स हैव बीन ऑसम। तो पिछले 30 डेज का एवरेज ही आपको बता रहे कि बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और अच्छी बात इस टूल के अंदर ये आपको नजर आएगी कि ये आपको सेल्स कैलकुलेटर जो बता रहा है ये यहाँ पे आपको मंथली सेल्स बता देता है, यानी कि पिछले महीनों में ये ब्रेक डाउन करके बता रहे कि जून में जो है 534 पीसेज अभी तक बेचे, मई में 1126 पीसेज बेचे थे,
और अप्रैल में 525। अच्छा, ऑफ कोर्स ये सारा डेटा अमेजोन ने से नहीं दिया, इसने ये कीपा का एपीआई कीपा की यूज करता है और ये अपने एनालिसिस करता है इसकी मुनासिबत से, ठीक है ना। तो वो जो एक्यूरेसी वाले नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैटर करते हैं। अच्छा, अब प्रेडिक्टेड जो है वो आपके पास आ रहा है कि प्रेडिक्टेड में प्रेडिक्टेड के अंदर जो है वो कहता है कि अगले 90 दिन के अंदर इसका एवरेज सेल्स जो होगा वो 2059 या करीब करीब 2100 के होगा। अभी जो है वो 1077 है, पिछले 90 डेज का जो एवरेज बता रहा है वो 2137 पीसेस बता रहा है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप देख लेते हैं। अच्छा, पेट की कैटेगरी की ये प्रोडक्ट है, तो हम चले जाते हैं पेट की प्रोडक्ट्स में। ये आ गया है कैटेगरी, मेरे ख्याल से 3666 उसका एवरेज 90 डेज बन रहा था, तो ये कहता है 35 से 40। हम इसको रीवेरीफाई भी कर लेते हैं कितना ये कीपा हमें बता रहा है। कीपा का स्टेट्स बताता है लास्ट 90 डेज, सॉरी ये 180 जो है वो इसका वो है रैंक, तो हम इसको 180 कर लेते हैं, यानी कि ये तकरीबन 42 यूनिट्स लास्ट डे में बिके हैं और कह रहे हैं एवरेज में 110 है। तो एवरेज अगर 110 में लेके चलूं 30 डेज का पर डे के हिसाब से, तो इसका मतलब तो ये 3000 से ज्यादा यूनिट से ये बेच रहा है। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो हो सकता है गलत हो। एफबीए टूलकिट भी एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन उसके एस्टिमेट्स काफी हद तक करीब होते हैं कंपेयरिंग टू एनीथिंग एल्स। तो 3000 से ऊपर वो बता रहा है, लेकिन ये कहता है 2137 बन रहा है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये तो फिर भी बहुत बेहतर है। अगर मेरी रिसर्च के मुताबिक एक चीज चलनी है तो वो तो फिर ये बहुत बेहतर है कि हम इसको लेके चल सकें। तो ये आपको फायदा है कि सेल्स कैलकुलेटर भी आपको यहाँ दिखा देता है, कंपटीशन भी आपको यहीं दिखा देता है, और बाकी सारी मार्केट्स भी आपको यहाँ दिखाता है। ये इस तरह से ये सारी चीजें आपको वन व्यू के अंदर कैलकुलेशन भी आ रही है, सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है।